इंदौर के बंबई बाजार से क्षेत्र से आबकारी विभाग ने सिग्नेचर ब्रांड की 90 बोतल शराब एक युवक को ले जाते हुए पकड़ा है, जिसकी कीमत करीब 1,00,000 रुपए बताई जा रही है। मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जहां मध्य प्रदेश में शराब के आहाते बंद हो गए हैं, तो वहीं शराब की होम डिलीवरी सहित अवैध शराब के कारोबार में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इंदौर जिलाधीश इलैया राजा टी के निर्देशन पर इंदौर सहायक आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही थी। अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए बुधवार को मुंबई बाजार से कहीं खपाने के लिए लेकर रही अंग्रेजी शराब की 90 बोतलें जब्त की गई। आबकारी शराब नियंत्रक ने बताया कि अवैध रूप से पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 1,00,000 से अधिक है। सिग्नेचर ब्रांड की शराब पुलिस ने एक्टिवा वाहन और आरोपी के घर महादेव नगर से बरामद की है। आबकारी नियंत्रक राजेंद्र मित्तल ने आगे कहा कि महादेव नगर के रहने वाले आरोपी राघवेंद्र से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। पहली नजर में लग रहा है कि शराब की होम डिलीवरी करने का ये पूरा मामला है। आबकारी पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया है और मामले की जाँच कर ली है, और अभी भी इस पूरे मामले में जाँच लगातार जारी है। सर, ये शराब पकड़ी देखो, हमारे यहाँ अभी एकदम अभियान चलाया हुआ है अवैध शराब के लिए, और जल्दी जल्दी कई प्रकरण हमने बनाए भी हैं। उसमें गंभीर प्रकृति के प्रकरण 34 जो भी प्रकरण है, और 34 एक के भी प्रकरण बनाए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में आज व्रत बम्बई बाजार के उप निरीक्षक है और उनके साथ और लोग अधिकारियों ने कार्रवाई करी, तो उसमें एक्चुअल में अवैध रूप से प्रबंध करते हुए अरुण पिता राघवेन निवासी 109 महादेव नगर इंदौर के कब्जे से कुछ गाड़ी में और कुछ उसके घर से, यानी टोटल 90 बोतल विदेशी मदरा सिग्नेचर की पकड़ी है। सर, कितनी कीमत की लगभग अभी जो इसकी कीमत, शराब की कीमत तो 1,08,000 है, और गाड़ी भी जो उसकी 80,000 है, तो टोटल करीब 1,88,000 रुपये करीब कीमत हो जाती है इसकी। और अभी इसकी चूँकि प्राइवेट रूप से पकड़ी गई है, तो बोतल है उसकी जांच भी की जाएगी, कहाँ से है, ऐसा तो नहीं कहीं से आई है कुछ है, तो वो भी जांच की जाएगी। कहाँ से पकड़ी गई सर? अभी तो उसकी गाड़ी से और घर से पकड़ी, टोटल उसी कब्जे से पकड़ी है आरोपी के। तो ये 34 बल्ब 67.5 बल्ब तक करीब है इसकी, तो अभी उसके लिए 34-2 का प्रकरण कायम किया जा रहा है। सर, कहाँ से कहाँ ले जा रहा था ये खपाने के लिए? नहीं, अभी पकड़ा है, अब विवेचना में लेते हैं सब, अभी तो पकड़ ही। हाँ, आज का रिकॉर्ड सुनने में तो आया है, आंतरिक 2-1 क्षेत्र है हमारा, वहाँ रिकॉर्ड है, और भी कई थानों में रिकॉर्ड है, तो वो रिकॉर्ड निकलवाए। नहीं, अकेले ही था अभी। शराब बनाता है? अभी शराब थी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। बोतल देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है, सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा है। अब उनकी जांच की जाएगी, लेबल की जांच की जाएगी, होलोग्राम की जांच की जाएगी, यदि ऐसा कुछ होगा तो वो आगे विवेचना में आएगा। सर, और भी कुछ पकड़ाने का पूछताछ नहीं? पूछताछ में अब वो भी विवेचना, अब हाल ही पकड़ के लाए हैं, अब पूछेंगे कहाँ से ला रहा था, किसको दे रहा था, और यदि कौन किसको सप्लाई करता है, जे कहाँ सप्लाई करता है, ये सब जानकारी से ली जाएगी। लगता है सर कोई ऊपर इसके ऊपर कोई? नहीं, लगने को ऐसा लग रहा है, इसमें माल तो अधिक मिला है, लेकिन ऐसा लग रहा है जी होम सप्लाई वाला, दो दो बोतल आपने मंगाई है, वो घर घर जाके देने वाला लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहीं से कहीं बहुत बड़ा माल सप्लाई करता हो, लेकिन अपना मात्रा तो बहुत अधिक है इसके पास जो पकड़ी है। तो इसमें एक्चुअल में हमारे जो उप निरीक्षक हैं वो, और कांस्टेबल हमारे मनोज खरे और जगदीश पटेल, इनकी बड़ी सराहनीय भूमिका रही, इन्होंने अच्छे से उसको जांच पर रख के और फिर पकड़ा। गाड़ी कौन सी थी सर? इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।